टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाइ तुम खाजन मारे सौ किचिंग सौ टाक सौ भूख सौ नर्म जतन लाम सौ तबू ने कक टुमा कक टुमा ओंखा फरीके खजान बार सिंग सौ ओ जगह ओ हेल्प केम्पनी जे जे बरक रक ओ कमी आमजानी बरकनो सोलैन ओ हेल्प केम्पनो बरक बहाके मा दंखा हेके टाखनो सोना मोसंमानी कखे नमुक हेल्प केम्प सेबसाब्रक मानी नौनी आमजानी बगे बबुका एडभेन्टेज दंखानी नरक मनेखाय जोहे तीनी सालमा मानी जिनो आमचाय एलेकने बिल्ली जो खा टंथक जिन खाव ताओ बुना जाने फाइव दंग डॉक्टर कहम कहम फाइव दंग बेक्रेन मकल मेडिसिन जो डॉक्टर माग्रां पैसा मैं बहुत बेलैन तीन तीन डॉक्टर दे डॉक्टर तीन बेक्रेन मकल ने मेडिसिन डॉक्टर बेक्रेन डॉक्टर आना खाओ वन सौ दंग आढ़ाई थे तीन सौ दंग जो तीन चाहिए मानी के साढ़े एगारोटा चीन आराम खाखा जो चार्टा पर्यटन तक जो वन सौ दंग आने बनगे गाजी नंद जमाइटिया कमी के टेन टू बारे विलेज कमिटी की मेल सिन सब डिविशन का अमरपुर पी एस एम पी डिस्ट्रिक्ट गुमटी डिस्ट्रिक्ट हमबाई थैंक यू तो ओ जगह हेल्थ केम्प चली दंग टोटल पेसेंट रेजिस्ट्रेशन नम्बर बस का एक्चुअली चीनियर टोटल 32 कृष्ण चंद्र मौसम मैडम नो पैला नो सोना मूसमानी खाए दिन ओ जगह हेल्थ केम्प ऊँ दंग ओ थी बुमता पैला जतन हमबाई चीन टाखु खरक्सा संखा आनीचय आनीचय के कविता जमातिया आं रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस सोशल वर्कर तबक सोशल वर्क खाई दू इनके सेकेंड क्वेश्चन के और जे हेल्थ कैम्प उतमानी और थाई के गामाकु मलसम हाई स्कूल ग्राउंड संखलाइब तक तो स्टार्टिंग खोसी इनके बस सैमया हाईपन जे आने स्टाडी सही मानो 200 तो ओ प्रोग्राम हंखा के चीनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्ष्य से उंगी दू जो अब तंगमानी 17 तारीख बनी जन्मदिन 2 तारीख अक्टोबर जरा जो प्रोग्राम विभिन्न वेराइटीज प्रोग्राम बाखाने लाइक हेल्थ केम्प अवेरनेस केम्प अब हाई माखाने तीन के जो हेल्थ केम्प खाइफा और गामाकु हाई स्कूल इनके जे लीडरशिप खाइजा तंगमानी के जी मुखु पातालकोना जमातिया बो एम ओ एस ते टी आर पी सी हाइन चेयरपर्सन यंग नो नो तीनी किसा कक सू मू सू नाई पैला नो नि बुमू किसा सादी दो बुम पुरी कैना पुरी कैना मोलसोम मोलसोम पारा गामगुर मुकोल बगे फायरतापुर आपसे कुछ जानकारी लेना है आज के प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ आई हुई है तो इधर का हाल आपको कैसा लगा देखिए मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुआ मैं बहुत लोगों से मिला और स्पेशली माता जी से मिला मैं और इनका मैंने जब देखा तो इनकी आँखों में से पानी आ रहा था काफ़ी तो आँखों का कुछ प्रॉब्लम था तो आज हमने एक हेल्थ केयर कैंप का आयोजन किया है यहाँ पे
और दैट हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन एंड MOS TRPCL मैडम पाताल कन्या जमातिया जी। और ये जो हेल्थ कैंप है इसके अंदर अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया हुआ है, चाहे डेंटल के हैं, चाहे गाइने के हैं, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या फिर जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। और बहुत ज़रूरी है, ये एक रिमोट एरिया है, यहाँ पे इस प्रकार का जो हेल्थ का इश्यूज़ है वो रेक्टिफाई करने के लिए इस टाइप का कैंप लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के जो हेल्थ कैंप्स हैं वो पूरा जो ख़ासतौर पे जो ADC जो एरियाज़ हैं उनमें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोगों को जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हेल्थ केयर की, और जो जहाँ पे बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे इस टाइप के हेल्थ केयर कैंप्स एक बेसिकली बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों की जो दिक्कतें हैं उनसे उनको निदान मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड सीन कि यहाँ पे बिजली का भी बहुत इशू है, और ये हम एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठे हैं यहाँ पे और सुबह से बिजली नहीं था, जबकि हम लोग कहते हैं कि जो हमारा त्रिपुरा है पावर सरप्लस स्टेट है। तो ये भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि जो ख़ासतौर के ऊपर जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे अपना एक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो वहाँ पर बिजली की कटौती कभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, तो स्मार्ट क्लासेस होने के लिए एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, और बिजली जो है वो एक मूलभूत है, एक सुविधा है जो होनी चाहिए। तो इसलिए अगर बिजली की कोई दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोलराइजेशन कर सकती है, सोलर पावर का यूज़ कर सकती है इन चीज़ों के लिए। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, द पीपल दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी अफेक्शनेट, एंड आई रियली लव टू बी हियर विद दिस पीपल। और इन लोगों के लिए काम करने के लिए, इन लोगों को अपलिफ्ट एम्पावर करने के लिए बहुत मज़ा आता है। और यही है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि एक जो एम्पावरमेंट है, जो सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो ऊपर का जो तबका है वहाँ तो होता रहता है, लेकिन जो समाज का जो आखिरी जो वर्ग है तो वहाँ एम्पावरमेंट नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि द सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट, इन द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। तो जो समाज की जो आखिरी जो पंक्ति है, जो आखिरी जो कड़ी है, वहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है वहाँ से डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारे जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका मूल मंत्र है, और इसी मूल मंत्र को हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन और MOS मैडम पाताल कन्या जमातिया जी हैं वो इसको आगे लेके चल रही हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा त्रिपुरा है वो नई ऊँचाइयों को छुएगा, और जो लोगों की जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी रेक्टिफाई होंगे। एक अच्छी सरकार है, एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, तो यही चीज़ें हैं कि एक साफ़ नीयत और एक हमें बस एक डायरेक्शन देना है। हमारा जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को, जो इवन जो हमारे नए जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उन लोगों को, कि कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं। तो ज़रूरी, हम बात अगर दिल्ली का करते हैं तो दिल्ली जैसा डेवलपमेंट भी होना चाहिए जी। आपको परिचय? मैं कैप्टन GS राठी, फॉर्मर एडवाइज़र TTADC, अभी मैं TRPCL के साथ एसोसिएटेड हूँ जी।